जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। सर्वप्रथम तो 70वें गणतंत्र दिवस की आप सबको, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कल 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान लागू हुआ और स्पेशल रूप से इस देश के वंचित समाज को, कमजोर समाज को जीने का हक मिला। मैं आज अगर यहां बोल रहा हूं तो ये पढ़ने का अधिकार मुझे बाबा साहब के संविधान से मिला। हमारे लोग जो नौकरियां करते हैं, हमारे लोग जो आज एमपी एमएलए बने बैठे, मिनिस्टर बने हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन जितने भी मिनिस्टर बने हैं या एमपी एमएलए बने, जैसा बना, वो बाबा साहब के संविधान के बाद बने, वरना इस कमजोर तबके को तो कोई पास में बैठाना भी पसंद नहीं करता था। तो मुझे सर्वप्रथम तो मैंने जैसा बताया कि आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं 70वें गणतंत्र दिवस की। उसके साथ साथ एक जरूरी बात जो है मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। मैं इसलिए आपको बधाई दे रहा हूं कि बधाई सिर्फ एक मौका है, लेकिन अपनी जो बात है वो आप तक पहुंचा नहीं। 1944 बाबा साहब ने मद्रास में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करते हुए एक बात कही, तुम अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि कल तुम्हें इस देश का शासक बनना है। और दीवारों पर इसलिए लिखने को कहा कि तुम आते जाते उसे देख सको, वो जो लक्ष्य है वो तुम्हारे दिमाग में रहे, तुम उसको भूलो ना। फिर मेरे आदर्श साहब काशीराम ने फिर बहुजन समाज को एक नारा दिया कि तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है, तुम्हें इस देश की शासक जमात बनना है। बाबा साहब का 1944 में दिया हुआ नारा आज तक पूरा नहीं हुआ, हम इस देश में शासक नहीं बन पाए। मगर मैं आज फिर अपने युवा साथियों को, जो बहुजन समाज के युवा साथी, जो भीम आर्मी के माध्यम से पूरे देश में काम कर रहे हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, बाबा साहब साहब काशीराम से, बहुजन महापुरुषों से प्रेम करते हैं, मैं आज फिर उनको याद दिला देना चाहता हूं। वो नारा फिर आपको अपनी दीवारों पर लिखना पड़ेगा, रोज रोज उसे पढ़ना पड़ेगा और उसको रोज याद करके एक लक्ष्य बना के इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए और शासक जमात बनने के लिए, क्योंकि शासकों पर अत्याचार नहीं होता, शासक वर्ग की बहु बेटियों बहनों को माताओं को का उत्पीड़न नहीं होता, शासक जो शासक वर्ग है उनके बुजुर्गों के ऊपर उत्पीड़न नहीं होता, उनके युवाओं पे उत्पीड़न नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फिर से मेरा बहुजन समाज उस नारे को याद करे और युवाओं से चाहता हूं, एक एक नारा एक एक बोर्ड लहर बनती है तो लहर बने और उस लहर के खेवनहार जो है भीम आर्मी के लोग हो, बहुजन समाज के युवा हो, तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं जो मुझ पे भरोसा करते हैं कि कल जरूर कुछ करें ना करें अपने घर की दीवार पर जरूर लिखें कि हमें अब इस देश का शासक बनना है। दोबारा सुन लीजिए कि हम इस देश के शासक बनकर रहेंगे, आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा, हमें इस देश का शासक बनना है और हम इस देश के शासक बनकर रहेंगे, निश्चय करना है। कल अगर आप ये लिख देते हैं तो समझिए कल से ही क्रांति की नई मिसाल पैदा हो जाएगी, कल से ही क्रांति की एक और क्रांति की जो इस 21वीं सदी में होने जा रही है। बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, तो उसकी पहली क्रांति 1-2 अप्रैल को आपने लिखी थी बलिदान देके, क्योंकि कोई भी लड़ाई कोई भी संघर्ष बिना बलिदान के नहीं जीता जाता, बलिदान के साथ लोगों का त्याग और ईमानदारी भी चाहिए। उसके साथ ही मैं भाइयों से कहना चाहता हूं कल जरूर लिखें कि हमें इस देश का शासक बनना है और हम इस देश के शासक बनकर रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि भीम आर्मी के पेज पे आप लोग पोस्ट भी करें, जब अपनी दीवारों पर लिखें तो हमें जरूर भेजें, हमें गर्व होगा, हमें खुशी होगी कि बहुजन समाज के युवा शासक बनना चाहते हैं। उसकी पहली पहल आप 26 जनवरी 2019 को करें
क्योंकि हम वास्तविकता में शासक बनना चाहते। जैसे मैंने बताया कि शासक लोगों पे उत्पीड़न नहीं होता, शासक लोगों का अत्याचार नहीं होता, उनके अधिकार नहीं छीने जाते, उनको बेइज्जत नहीं किया जाता, उनके उनके उनको उनके घर से नहीं निकाला जाता। तो इसलिए मैं साथियों से कहना चाहता हूं कल जरूर लिखें। दूसरा, भीम आर्मी का जो निर्माण है, भीम आर्मी का निर्माण इसीलिए किया गया था कि भारतीय संविधान की सुरक्षा हो सके और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से देश में लागू कराया जा सके। तो एक नारा जो मैं आपको बता रहा हूं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, भीम आर्मी करेगी पूरा। भीम आर्मी अपने खून से सींच के बहुजन मिशन को आगे बढ़ा के बाबा साहब और साहब काशीराम का सपना पूरा करने का प्रयास करेगी। मेरा बहुत बहुत दोबारा से मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है आप सब लोगों के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी और बहुत जल्द एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन सिंह जी द्वारा बहुत जल्द एक ज्ञापन जो है पूरे देश में सरकार को दिया जाएगा, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम। हमारी कुछ मांगे हैं, उनको पूरी कराने के लिए वो ज्ञापन दिया जाएगा। नहीं पूरी होती तो उसके बाद हम फरवरी में संसद का घेराव करेंगे, ये भीम आर्मी कोर कमेटी ने निर्णय लिया है। तो बहुत जल्द भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेंगे और पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर वो ज्ञापन दिए जाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक कल मैं उम्मीद करूंगा कि हजारों की संख्या में मेरे पास वो फोटो आए जब आपके घर की दीवार के बाहर लिखा हो कि हमें इस देश का शासक बनना है। ये क्रांति के लिए की दूसरी मिसाल होगी 21वीं सदी में। पहली 2 अप्रैल को आपने दी थी और कल फिर एक बार साबित करें कि हमें इस देश का शासक बनना। फेसबुक पर पोस्ट करें, अपनी दीवार पर लिख के, अपने घर पर लिख के, सोशल मीडिया पर डालें कि हमें इस देश का शासक बनना है, हम शासक बन कर रहेंगे। जय भीम आर्मी। पूरी ईमानदारी से भीम आर्मी के युवा देश में संघर्ष को लड़ रहे हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी मुद्दों पर हमारी नजर है, सभी जितने मामले पूरे देश में हो रहे हैं सभी पे हमारी नजर है। हम सारे मुद्दों पे काम करेंगे। भीम आर्मी टीम पूरे देश में संघर्ष कर रही है, पूरे देश के साथ भीम आर्मी के जो करोड़ों साथी हैं भीम आर्मी जुड़े हुए और सभी प्रदेशों के जो पदाधिकारी, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके उज्ज्वल भविष्य कामना करता हूं और ऐसा विश्वास रखता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, उनको एकजुट करने के लिए और उनको शासक बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। जय भीम आर्मी।